तुम लोगों की हिम्मत कैसी है मेरे भाई को मारने की? मारो रे। भाई वो आपके छोटे भाई ने फरोज खान के भाई को मार दिया और तुम लोग देखते रहे, क्या जरूरत पड़ गई तुम लोगों को उसको मारने की? भाई अर्थात आ रहा था और भाई वो देख मुसलमान अर्थात रुक। हाँ भैया बोलो। कहाँ जा रहा है? भैया मैं दवाई लेके घर जा रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है। पहले एक काम कर, हमारे लिए सिगरेट लेकर आ। ले पकड़ पैसे। भैया मैं जरा जल्दी भी हूँ, माँ की दवाई लेके जाना है, आप किसी और से मंगा लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, भाई लोगों को मना करता है, हम हिंदुओं के मोहल्ले में रह के हमें मना करता है? भैया ये मोहल्ला हमारा भी है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत है? चलो मेरे साथ। अरे ये तो अरशद है ना? हाँ भाई अरशद है ये। अरे क्या हुआ अरशद, ये चोट कैसी लगी? भाई मैं रास्ते से आ रहा था। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत है? उन लोगों की इतनी हिम्मत? अमन तू लड़के इकट्ठे कर, चल। गाड़ी निकाल। जी भाई। भाई वो है तुम लोगों की हिम्मत कैसी है मेरे भाई को मारने की? मारो रे। सनीप रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई इन हिंदुओं ने हमारे भाई को मारा है, आज इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा, हिंदू? जानते हो इस बाबी को, ये कौन है? इसके पिताजी और मेरे अब्बा साथ में मिलकर बैठकर खाना खाया करते थे, उनके बीच तो कभी धर्म आड़े नहीं आया। और ये बॉबी, ये मेरा बचपन का यार है, चंद लोगों के बहकावे में आकर तुम लोग एक दूसरे के दिलों में नफरत लेके आ गए। सनी एक बात याद रखना, अगर आधी रात में तुम्हें कुछ हो जाए तो ये मुस्लिम पड़ोसी ही तुम्हारा साथ देंगे। चंद नफरती लोगों के बहकावे में आकर तुम लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हो। जो काम अंग्रेजों ने किया था वही काम आज हमारे साथ हो रहा है। हम सबको समझना होगा कि हम सब आपस में भाई हैं। हमें माफ कर दो भैया, हमसे दोबारा गलती नहीं होगी। चलो अब सब एक दूसरे के गले मिलो।